छोड़ दीजिए, शूट करो, फोकस कैमरा फोकस, धीरे धीरे आ गई है। देखिए यहीं पे है, सोचिए कि कभी ऐसे करके हम बैठ सकते हैं यहाँ पे। आप अपना राय विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। सबको गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ अले बेटा, सो हेलो फैमिली, राम राम, गुड मॉर्निंग, सबको स्वागत है हमारे और नए वीडियो में। और यहाँ पे देखिए बीमू जी सुबह सुबह क्या कर रही हो बाबू। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं अभी देखे सुबह सुबह रात का कुछ चावल बच गया था, उसको भून लेते हैं। और रात का भुजिया भी था आलू का और राजमा का, तो उसको भी इसी में डाल दिए हैं। अगर रात का खाना खा सकते हैं हम, लेकिन उसको अच्छे से गर्म करना होता है कि नहीं। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने सिफरा वाला मूवी देख चुके हैं? ये आज से मेरी बीमू मेरा सिफरा है। हेलो मेरी सिफरा। नहीं मैं सिफरा नहीं। तो क्या हुआ, क्या नाम है उस मूवी का? मूवी का नाम है हम दिल बातों में ऐसे उलझा दिया। हाँ अच्छी मूवी है, अच्छी मतलब हर हस्बैंड वैसी मतलब बीवी एक्सपेक्ट करती है, करती आप है। मेरा सिफरा बन जाओ ना। नहीं प्लीज, हम रोबोट नहीं है। प्लीज प्लीज नहीं हो, वो रोबोट है, हम इंसान है। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए वैसे मजाक कर रहे थे दोस्तों। और एक चीज हम आपको बताएं, बीमू मेरा बहुत ख्याल रखती है और वो चीज़ आप लोगों को बताना जरूरी है। देखिए मैं सुबह सुबह उठता हूँ, उससे पहले ही मेरे ब्रश में पेस्ट लगा के रख देती है, ताकि मैं उठूँ वॉशरूम जाऊँ और वॉशरूम से सीधा आते ही मैं करूँ अपना मुंह ब्रश, ठीक है, और फिर मैं नहा धो लूँ, ये सब बीमू तो पूरा तैयारी कर देती है। लेकिन आज मैं ब्रश तो करूँगा ही, देखिए। लेकिन हमारे घर में खेसारी का साग, आप लोगों का कमेंट आता था ना कि खेसारी का साग किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी खेसारी का साग, ये चना का साग नहीं है। कमेंट आ रहा था चना का साग को बोलते हो खेसारी का साग, नहीं इसको बोलते हैं खेसारी का साग, इसको बना के खाते हैं, काफी टेस्टी लगता है खाने में। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा किसको बोलते हैं खेसारी का साग, क्योंकि मैंने आज आपको बता दिया। सब्जी में क्या बनाओगी? राजमा ही दिख रहा है यहाँ पे, टमाटर ही है, सीमी, हाँ आलू सीमी का, गोभी नहीं है, गोभी नहीं खाते हम, गोभी अच्छा नहीं लगता। आप क्या करो पता है, आप आलू का और सीम का सूखा बनाओ सब्जी, साग भी बनेगा। हाँ अच्छा बात है ना। इधर तक हम और इसको गर्म कर दिए, वाह, ब्रश करके सीधा खा लेंगे इसको, ठीक है ना। भुना हुआ चावल जितना भी था मैंने खा लिया। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह रोटी, भूल जाएगा कितना प्यार है, वाह। थोड़ा आपको नजर लग गई। मेरी नजर लग गई, इस वजह से नहीं फूला। अब ये भी फूलेगा कि नहीं फूलेगा, ये देखिए यह अपने आप ही फूल गया, बिना छुए हुए ही फूल गया जी। ये साफ ही तो है। तो अभी हम गए थे चश्मा के दुकान पर, और देखिए पहले मैं ये ग्लास यूज करता था, सुहाना था, पकड़ो तो ये पकड़ो, हाँ पहले मैं ये यूज करता था दोस्तों। देखिए मोबाइल फोन चलाने के लिए इसमें पावर है, ये देख लीजिए ऐसे मैं कैसे दिखता हूँ, ठीक है। मैं ये चश्मा यूज करता था पहले, इसे सीधा स्ट्रेट में दिखाते हैं, थ्री पीस चश्मा बोलते हैं इसको, और फ्रेमलेस है। अब इसको पहनते हैं और आप लोग, ये ब्लू कट लेंस है दोस्तों, जब अगर हम यूज करेंगे तो बताइए कैसा लग रहा है। अब ये वाला नया है, बताइए कैसा लग रहा है, सुहाना बताओ ये वाला अच्छा लग रहा है या वो वाला अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए फैमिली कैसा लग रहा है ये, ताकि ठीक ही लग रहा होगा। वैसे तो मैं चश्मा बहुत कम ही पहनता हूँ दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगता पहनना, तब वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होता है ना, तभी मैं चश्मा पहनता हूँ, नहीं तो बहुत कम ही यूज करता हूँ। देखिए मेरा फ़ोन पूरा डैमेज हो चुका है दोस्तों, देखिए ना कैमरा, ये फ़ोन से दो चैनल पर कैसे काम करें, आप लोग कमेंट करते रहते ना कि आईफोन है तो आईफोन से वीडियो करो, आईफोन का वीडियो डेली शूट होता है दोस्तों, इनके चैनल पर जाइए, आपकी चहेती वीडियो शूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो शूट भी कैसे करें, काम भी खुद कर रहे हैं, शूट भी कैसे करेंगे, ये भी चीज है। कैमरा मैन क्या प्लेयर प्रॉपर, आप क्या करोगे? मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, मेरा नया चैनल खुलने वाला है, हाँ विकास लूट चैनल, तो कोई कमी नहीं खुलेगी, बस उस पर वीडियो नहीं जाएगी। बात तो सही है। पापा अभी धो कर रख रहे हैं कल पर,
मम्मी यहाँ पे कपड़ा खींच रही है, कपड़ा धो रही है, कपड़ा तो खींचो, कपड़ा धो रही है, नहीं कपड़ा खींच रही है, क्या कर रही है सारा? मॉम इज वॉशिंग क्लॉथ्स, बोलो। मॉम इज वॉशिंग क्लॉथ्स। मॉम इज। मॉम इज वॉशिंग क्लॉथ्स। A few moments later. Hello दोस्तों, good morning, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी अभी खाना तो बन चुका, बर्तन धो रही है और पापा अभी कपड़ा सुखा रहे हैं रोड में। आपको दिखाते हैं, कपड़ा सुखा दिए तब तक। आप क्या कर रही हो? मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग कर रही हूँ जी। आप अभी से ब्लॉगिंग कर रही हो? बहुत आगे जाओगी। मैं आगे जाऊंगी। जी चलिए नीचे। तो फैमिली अभी समय बज रहे हैं 12 दोपहर के, और अभी देख सकते हैं हमारा रूम खाली हो रहा है। बेड निकालती है सुहाना के पापा और जीजू दोनों लोग मिलके ना। और अभी यहाँ से टीवी भी निकल चुका है और ये अभी ये भी निकलेगा, और कारपेट सब सारा कुछ को सफाई होगा, सारा कुछ ही निकलेगा, क्योंकि इसमें पहले हम बेड लगाएंगे, उसके बाद सारे कुछ को साफ कर करके फिर अंदर लाएंगे, है ना। हाँ, तो सारे कुछ अभी बाहर निकाल रहे हैं और मैं भी सुहाना पापा को थोड़ा हेल्प करा देती हूँ। हाँ उदय घर पे है, कोई बात नहीं, गए हैं घर, कुछ काम था। शादी में गया था? शादी में गया था? नहीं, मामी जी कॉल की थी कुछ लेके आने के लिए। हाँ तो लेके गए हैं कुछ घर, तो 2 दिन हो गया, परसों ही गए हैं। अभी छुट्टी भी चल रहा है, एग्जाम हुआ था तो ना, तो छुट्टी भी 3-4 दिन है, तो सोचे होंगे शायद बड़ा हो गया था। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, हम 7 मीटर लिए थे तो देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा है, ठीक है। तो इस बार आप उस हिसाब से लीजिएगा, मुझे याद है उस बार 7 मीटर लिए थे ये कारपेट, तो बहुत बड़ा हो। इस बार 6 या 6.5 देखिए, ऐसे ऐसे 9.5 है ना, ये लेंथ है 9.5, नहीं लेंथ है 12.5 और वाइड है 9.5। अरे 18 फीट हुआ, 18.5 फीट कितना मीटर होता है? मीटर हिसाब से मिलता है? हाँ मीटर हिसाब से मिलता है। तो कर लो हिसाब, 6.5 में हो जाएगा, आप 7 नहीं लीजिएगा, 7 में इतना ज्यादा हो गया था। ये नहीं काटा होगा, अंदर से नहीं काटा होगा, देखिए न्यू ही है वो अंदर से। तो अभी स्टोर रूम की तरह यहाँ पे सारा कुछ रखा जा रहा है सीढ़ी रूम में, देखिए किस तरह से। यहाँ पे इन लोगों को देखिए, सुहाना क्या खेल रही हो? कन्या बन गई भुंटी। यहाँ पे भुंटी को कन्या बना दी है। ए दुल्हनिया बन गई हो सारा मशीन पूरा, भुंटी दुल्हनिया बन गई हो। देखिए ये मकड़ी का जाल अच्छा नहीं होता है घर में। एक कारपेट वहाँ से हटा दिए हैं, अभी दूसरा ले जा रहे हैं ना, हटाए पैर हटाए धीरे धीरे, सड़ गया है। तो कितना साल हो गया इसका? 2 साल हो गया होगा, 3 साल हो गया। तब हमसे जो नीचे गिर जाता है वो वाला पानी है या नीचे से निकला है? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है नीचे से निकला है। तो हर जगह निकलना था ना, फिर वहीं पे क्यों है पता नहीं, क्योंकि गिर जाता है वही नीचे चला जाता है पानी से। तो फिर यहाँ पे पूरा सूखा है, यहाँ पे जो बेड के नीचे नहीं पानी जाता है सूखा है, इतने दूर में पानी जाता तो वही वहीं पे है, इसलिए पानी थोड़ा ध्यान से गिरा था। वहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि पानी जो हम नीचे गिराते हैं ना, सुहाना गिराते हैं कभी कभी, वही पानी है ये। तो अभी बीमू ले जा रही है छत पर बाहुबली की तरह। चलिए अभी हम चल रहे हैं छत पर। अमरेंद्र बाहुबली हो आप? यहाँ पे रख रही हो? मैं बोला कि नीचे रख रही होगी, नीचे भी पूरा छत का सफाई बाकी है करना। चलो फिलहाल आप चलते हैं दूसरे कारपेट लाने के लिए मार्केट। चलो तो अब पूरा रूम खाली हो चुकी है। यहाँ पे हम भगवान को रखते थे, यहाँ पे
तो हम कमेंट में पढ़े थे कि जिस रूम में बेडरूम होती है ना, उस रूम में भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो दूसरा रूम में करो, ठीक है। तो हमारा तो हो गया वो स्टोर रूम है ना, तो वहीं पर हम सोच रहे हैं दोस्तों कि भगवान जी को आज सफाई करते थे पूरा, जो भगवान जी को निकाले हैं बाहर में, देखिए पूरा सफाई वफाई करके इसको हम एक अलग ही रूम हमारा हो गया, ये यहाँ पे स्थापित करते हैं, यहाँ पे अच्छे से बोल के पास, और यहाँ पे पूजा करेंगे आराम से। A few moments later. डल कीजिए। तो अभी देखिए रूम हमारा अच्छे तरीके से मतलब खाली हो गया है। अभी इसको हम कवर कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, पहले कारपेट लगा रहे हैं ना, और कारपेट देखिए सेम टू सेम ये लेके आए। आप क्या बोले थी व्हाइटिश ही चाहिए। मैं क्या बोली थी इनको कि थोड़ा सा व्हाइटिश कलर में लाइएगा, हाँ, तो उसमें गंदा नहीं रहेगा। पूछो मेरे दोस्त से। ये दोनों कैसे तो बोले क्या कि इसके अलावा कोई व्हाइटिश नहीं, यही पसंद आया, इतने सब में यही अच्छा था। आज से 2 साल पहले जब हम लाने गए थे ऐसा कलर अच्छा, आज से 2 साल पहले जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे भी हमको यही पसंद आया था, अब 2 साल बाद जब चेंज किए तो फिर ये। सुहाना आप और घुंटी बाहर निकल जाओ, बुआ को पकड़ लो, हाँ चलो बाहर, चलो बाहर, चोट वोट लग जाएगा। एक सेकंड थोड़ा मुझे बाहर लेने दीजिए ना, साइड से नाप नाप के काटना पड़ता है, उल्टी नहीं जाएगी, पापा के पास ही रहेगी। पूरा टेकल है 109। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पे अपना टेबल यहाँ पे है, और अपना सिल्वर प्ले बटन यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। और हाँ, ये पूरा एरिया हमारा खाली है अभी, जहाँ पे हमारा बेड लगने वाला है, तो देख लीजिए कैसा है। अभी मैं और बीमू दोनों ही एक्साइटेड है, क्योंकि बेड वाले को तो पैसे देकर आ गए हैं, लेकिन वो गाड़ी पर डिलीवर करने आएंगे, तो अभी तक वो आ नहीं रही है, तो उनको हम कॉल कर रहे हैं कि लेट कहाँ पर लग गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहे, 5:30 बज चुके हैं, और हम एक्साइटेड है काफ़ी बेड को यहाँ पर लगाने में। तो चलिए देखते हैं कब तक आते हैं, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा फ्रेश भी होना है, काफ़ी धूल मिट्टी लग चुका है देखिए ये सब करते करते। अभी बीमू गई थी मार्केट सब्जी खरीदने के लिए, बीमू के लिए सरप्राइज हमारे बक्स पलंग, हे देखिए सरप्राइज, क्या हुआ बीमू को लगा होगा कि मैंने बोला क्या कि चलो बक्स पलंग सेट हो चुका है, बीमू एक्साइटेड से आई देखने के लिए कैसा लग रहा है देखने में, और हमारा रूम में अभी भी खाली है, आया ही नहीं देने के लिए, पता नहीं कॉल किए कितने बार, आ रहे हैं बस बोलते बोलते नहीं आया। अच्छा लग रहा है आपको? कैसे उसे दोपहर में नहीं दे के आ गए हैं, और बोले कि आप लोग चलिए हम डिलीवर करवा देंगे। आप कहाँ से? फिर से कॉल कर रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों आ गई है, देखिए यहीं पे है, अभी उतारेंगे और घर में ले चलते हैं। कहाँ पे है ड्राइवर? सो फाइनली दोस्तों देख लीजिए हमारा बेड लग चुका है रूम में, और पूरा रूम भर चुका है, यहाँ पे देखिए इतना बेड ही बेड हो गया। तो चलिए दिखाते हैं आपको, बीमू जी बैठ गई है, सुहाना यहाँ पे रोटी खा रही है ना, सुहाना खाओ खाओ लिट्टी, क्या क्या लिट्टी चोखा, हमको सुना मैं लिट्टी चोखा। तो देखिए फाइनली ये वाला सिंपल डिज़ाइन लिए है दोस्तों, क्योंकि उस वाले में सारा कमेंट आ रहा था कि ओल्ड फैशन हो गया, वो थोड़ा सा सिंपल में लो, नया में लो, अच्छा लो, हाँ तो हम ये वाला इसलिए भी लिए क्योंकि इसमें हमको यहाँ पे अडेस लग सकते हैं, सोचिए कि कभी ऐसे करके हम बैठ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा रहेगा ना, देखो वैसे हम बैठ सकते हैं, उसमें शीशा उसा था, फूट जाता, ऐसे करके बैठ नहीं सकते थे उसमें, इसलिए भी। और यहाँ पे ये बॉक्स भी है, ये सारा बॉक्स है देखिए, बहुत अंदर तक है इसका, सारा है, बहुत सामान हटेगा उसमें भी, ये 2 बॉक्स है, इसमें बॉक्स नहीं है, वो नहीं है लेकिन उसके अंदर तक है, हाँ यही वाला बॉक्स, दोनों ज्वाइंट है, हाँ। हाँ, लेकिन इसमें खोलने वाला नहीं है, नहीं तो ये भी खुद ऐसे बॉक्स बंद हो जाएगा, करना था उनको लेकिन नहीं किया है नहीं ये बॉक्स वो बॉक्स पूरा एकदम होले है, एक ही है ये भी इसके अंदर में, लेकिन ये दरवाजा बंद है उसका,
डिजाइन के लिए, इसकी डिजाइन को भी उठा सकते थे। इस तरह से ये भी खुलता तो और अच्छा लगता। नहीं नहीं खुल रहा है तभी अच्छा है। अच्छा चलिए ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों को कैसा लगा हमारे यहाँ बॉक्स पलंग, मेरे पसंद का और मेरा जो दोस्त है उसके भी पसंद का है और को भी पसंद आया। हाँ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। हाँ बाकी आप लोगों का राय विचार जानना तो हमें काफ़ी ज़रूरी है, आप अपना राय विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। बेड का फुल लुक आपको हम कल वाले ब्लॉग में दिखाएंगे, तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।